मस्जिद में जाके मार रहे, तलवार चला रहे, ये क्या, ये कौन सा सेलिब्रेशन है? ये खुशी है? राम आए मुसलमानों को मारे, तुम हमको देख के जय श्री राम बोलते? यार तुमको क्या हमारे अंदर राम वाम दिखता है क्या? मुसलमानों को देखकर तुम्हें भगवान दिख जाता है क्या? मुसलमानों को देखकर राम जय श्री राम चिल्लाते हो? तो बोलते कड़कड़ में राम है, हर जगह राम है, दिल में राम है, दिमाग हर जगह राम, तो राम को कहाँ छुपा के रखते जाज लेके आगे? सुप्रीम कोर्ट बोलते कि आस्था के बेसिस पे आपने फैसला दिया, आस्था के बेसिस पे देश नहीं चलता, संविधान से चलता है देश, कानून से चलता है देश। अगर वो सही तो फिर आपको मस्जिद का जगह देना नहीं चाहिए था। आज का हिंदू का मतलब क्या हो गया पता है? आज का हिंदू का मतलब हो गया कि मुसलमान के खिलाफ, मुसलमानों को भड़काओ, मुसलमानों को उस्काओ, मुसलमानों को मारने का मतलब है तुम हिंदू। जेपी का एक लीडर दो हिंदू लड़का से मुसलमान आईडी बना के तुम मेल करवाते हो कि राम मंदिर में बम मारेंगे और योगी जी को मारेंगे। कौन करवाया? बीजेपी का नेता खुद। मतलब तुम अपना इतना बड़ा प्रोग्राम में भी तुम नफरत फैला रहे हो, ये तुम्हारा धर्म है? राम भक्त मत बोलिए, उन लोग को राम का दुश्मन बोलिए। राम भक्त वो नहीं होता है। राम का नाम को इस्तेमाल करके मुसलमान को पकड़ के बोलना बोल जय श्री राम, वो राम भक्त नहीं है, वो राम के दुश्मन है। अगर राम भक्त होते तो राम का लिखी हुई किताबों को पढ़ते। राम ने कहा था क्या मुसलमानों को पकड़ के मारो? अगर हम मुसलमान है, अल्लाह को मानते, कोई हिंदू भाई को पकड़ के बोला बोल अल्लाह अकबर, क्या मेरे अल्लाह खुश होंगे? ढोंगी बाबा आ जाता है, बोलता है कि जामा मस्जिद का सीढ़ी के नीचे मूर्ति है, उस मस्जिद का सीढ़ी के नीचे मूर्ति है, तो कल हम भी बोलते तुम्हारा मंदिर के नीचे दरगाह है, खोदने का, हमको खोदने दो, हम पैसा देंगे, नहीं मिलेगा हम फिर से दोबारा ठीक, मतलब यही चलता रहेगा। तुम बार बार बोलते रहोगे कि ये मथुरा के मस्जिद का हमारा मंदिर था, शहीद का हमारा मंदिर था, यहाँ मंदिर था, सब जगह तुम्हारा मंदिर था, तो हम भी बोलना शुरू कर दे कि अक्षरधाम में हमारा था, तो बालाजी मंदिर में हमारा था, तिरुपति में हमारा था, हम भी बोलना शुरू कर दे, वहाँ पे हमको खोदने दो, वहाँ पे दरगाह है। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल मुसलमान कहते तुम अपने मोहल्ले का मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते, बाबरी मस्जिद का तुम सोच रहे हो? तो भैया एक काम कीजिए, हम तो अपना मोहल्ले में नमाज नहीं पढ़ लेते, काम कीजिए, बीजेपी तो बहुत अच्छी है, आप ही बुल्डो जैसा मस्जिद तोड़ दीजिए, क्योंकि हम तो नमाज नहीं पढ़ते। आपका घर में 10 फ्लैट है, आप एक टो में रहते, तो एक काम कीजिए 9 टो में बुलडोजर चला दीजिए, क्योंकि आप तो 9 में रहते नहीं। देखिए कैसे देखते हैं, जिस तरीके से हम एक बाहसियत है मुसलमान होने का नाते, हमारे अंदर तो तकलीफ है, दुख है, दर्द है, क्योंकि आप हमारे मस्जिद को तोड़कर, मस्जिद को शहीद करके आप वहाँ पर मंदिर बना रहे हो, जिस मस्जिद में 500 साल तक नमाज अदा की गई है, जहाँ पे हय्यल अस्सलाह हय्यल अल फलाह का सदाए दी गई है 500 साल तक, उसके बाद अब गैर कानूनी तरीक़े से आप वहाँ पे मूर्ति रख कर आप उसको तोड़कर आज मंदिर बना रहे हो, वहाँ पूजा हो रहा है, तो हमारे लिए तो दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। गैर कानूनी मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने पढ़ा क्या? आप एक पत्रकार है, आपने कोशिश किया है, आप गोदी मीडिया का तरह से वाह 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 चिल्लाते रहते हो? सुप्रीम कोर्ट का फैसला में सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि इलीगल तरीके से मूर्ति रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला में खुद लिखा हुआ कि वहाँ पे मंदिर का कुछ मिला ही नहीं, कि मंदिर तोड़ा गया, ये प्रूफ मिला ही नहीं सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट किस बेसिस में फैसला दिया, किस बेसिस में? आस्था, फेथ का बेसिस में फैसला दिया, तो देश फेथ का बेसिस में चलेगा? और अगर वो सही थे तो फिर मस्जिद के लिए जगह क्यों दिया गया? तो मंदिर की मुखालफत करने वालों के लिए तमाचा नहीं है? किस तरीके का तमाचा है? बस यही है, अभी उनका राज है, उनका दबदबा है, वो अब जो मर्जी वो कर रहे हैं, बस यही मान लीजिए और क्या। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है इस्लामिक तरीका, मतलब इस्लाम में यही है कि जिस जगह एक बार आप मस्जिद के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है वो कयामत तक वो मस्जिद कहलाता है। आप हमारा मस्जिद को शहीद करके वहाँ पे मूर्ति बना के मंदिर बना के आप उसके बाद हमसे पूछो कैसा लग रहा है, तो हम बोले भाई हमको अच्छा लग रहा है? कभी नहीं हो सकता ये बात। सुप्रीम कोर्ट बोलते कि आस्था के बेसिस पे आपने फैसला दिया, आस्था के बेसिस पे देश नहीं चलता, संविधान से चलता है देश, कानून से चलता है देश। अगर वो सही तो फिर आपको मस्जिद का जगह देना नहीं चाहिए था। कुछ शंकराचार्य ने बॉयकॉट किया? एग्जैक्टली, सही सवाल उठाया। आप बताइए, जो शंकराचार्य को हर हिंदू मानते, तो इसका मतलब आज वो शंकराचार्य हिंदू नहीं बोलोगे, उसको तुम राम विरोधी बोलोगे? अब मतलब मोदी योगी राम भक्त बन गया, शंकर आचार्य इतने बड़े तुम्हारे धर्म गुरु, आज उसको तुम नहीं मानोगे? लेकिन मोदी तो कह रहे राम आ गए, तो राम कहाँ थे भैया? राम को कहाँ रखे थे भाई? तुम तो बोलते कड़कड़ में राम है, हर जगह राम है, दिल में राम है, दिमाग हर जगह राम, तो राम को कहाँ छुपा के रखे थे जाज लेके आगे? कहाँ थे तुम्हारे राम भाई? यार भगवान अगर मानते हो ना, भगवान दिल में होता है, दिल में राम को बैठा के, दिल में होता है, दिमाग में नहीं। जब धर्म दिल से दिमाग में आ जाता है ना, तब तुम मुसलमानों को देख के जय श्री राम बोलते हो। आज तुम हमको देख के जय श्री राम बोलते हो, यार तुमको क्या हमारे अंदर राम वाम दिखता है क्या? मुसलमानों को देखकर तुम्हें भगवान दिख जाता है क्या?
मुसलमानों को देखकर राम जय श्री राम जय श्री राम चिल्लाते हो। क्या लगता है तुम अगर राम को पढ़ लेते ना, राम को थोड़ा समझ लेते ना मेरे भाई, आज तुम मुसलमानों को चिढ़ाते नहीं, मुसलमानों को नाम लेते नहीं, आज तुम मुसलमानों को प्यार करते, मुसलमानों को मोहब्बत करते। क्या राम ने कहा है कि तुम किसी को मारो? क्या राम ने कहा कि तुम नफरत फैलाओ? राम तो एकता का प्रतीक थे, राम तो महान थे, आज तुम वही भगवान का नाम लेकर तुम मुसलमानों को मार रहे हो। क्या राम इससे खुश होंगे? क्या यही राम का टीचिंग्स है? क्या राम यही किताब में लिखा है? इसका मतलब तुमने राम को पढ़ा नहीं है, तुम राम को मोहब्बत नहीं करते हो, तुम राम का नाम लेकर तुम आतंकवादी हो, तुम राम का नाम लेकर आतंक फैला रहे हो। तो भगवान के नाम पे क्या राजनीति हो रही है? 100% भगवान का नाम लेकर राजनीति हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज बताइए, जिस जगह में इनके धर्म गुरु को होना चाहिए था वहाँ पे सब मिनिस्टर थे, वहाँ पे सारा बॉलीवुड का सेलिब्रिटी थे, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ थे, मोदी जी थे, आरएसएस का लीडर था, वो लोग शंकराचार्य खुद नहीं थे। इन लोगों ने तो बॉयकॉट किया। और आपको सबसे हैरानी होने वाली बात यह है कि इलाहाबाद कोर्ट में खुद वहाँ पे एक हिंदू कोई आदमी है जो कि PIL दर्ज किया है, इसलिए क्योंकि उनके सनातन के सिस्टम के खिलाफ है कि मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, प्राण प्रतिष्ठा क्यों कैसे कर सकते हैं? ये अगर मुसलमान करता, ये कोई कांग्रेस का लीडर करता, तो हिंदू विरोधी ना जाने क्या क्या बोल देता। आज खुद वहां के धर्म गुरु कोर्ट में जाके PIL किया है, ये गलत है। तब क्या कर रहे हो सनातन का नाम लेकर सिर्फ मुसलमान को भड़का रहे हो? ये तुम्हारा सनातन ही है। मैं कहना चाहता हूं, आज वो भी पहले जो हिंदू थे ना भाई, 14 से पहले जो हिंदू थे ना, वो सच में हिंदू थे, वो अपना भगवान को मानते थे, चाहे वो गणेश जी को माने, राम को माने, दुर्गा को माने, जो भगवान को मानना है, वो हिंदू थे। आज का हिंदू का मतलब क्या हो गया पता है? आज का हिंदू का मतलब हो गया कि मुसलमान के खिलाफ, मुसलमानों को भड़काओ, मुसलमानों को उस्काओ, मुसलमानों को मारने का मतलब है तुम हिंदू हो। तुम मुसलमानों को पिनकाओगे, मुसलमानों को उस्काओगे, जय श्री राम बोल के मारोगे, आज इसका मतलब हो गया हिंदू, आज का हिंदू। लेकिन पहले हमारे हिंदू भाई वो नहीं थे। पहले हिंदू भाई सुबह से उठते थे, अपना धर्म को मानते थे, पूजा करते थे, प्यार से बात करते थे, नफरत नहीं फैलाते थे। तो वो हिंदू अब और नहीं रहे। अभी का हिंदू का मतलब मुसलमान के खिलाफ जहर उगलो। आज अब एक मिनट, आप एक बात बताइए, तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन था, इतिहास था, राम को लेकर आ गए, कहाँ थे नहीं पता, राम को तुमने लेकर आया, तुमने कैसा, तुम राम सेलिब्रेशन का टाइम में तुम्हारा दिमाग में क्या खुराफाती चल रहा है, क्या खुराफाती चल रहा है कि तुमने बीजेपी के एक लीडर दो हिंदू लड़का से मुसलमान आईडी बना के तुम मेल करवाते हो कि राम मंदिर में बम मारेंगे और योगी जी को मारेंगे। कौन करवाया? बीजेपी का नेता खुद। मतलब तुम अपना इतना बड़ा प्रोग्राम में भी तुम नफरत फैला रहे हो, ये तुम्हारा धर्म है? कैसे कह सकते हो? क्या भाई, पकड़ाया। आप न्यूज में देखिए, बीजेपी के लीडर है दो हिंदू लड़का जो मुसलमान का नाम लेकर आईडी बनाकर उसने बाकायदा मेल किया और पुलिस पकड़ाई, एसटीएफ पुलिस पकड़ा, स्पेशल टास्क फोर्स पकड़ाई उत्तर प्रदेश का, और जब उसका तार जुड़ा गया बीजेपी के लीडर था वहां का। तो मतलब तुम अपना प्रोग्राम में भी यार इतना खुराफाती चला रहे हो, इतना बड़ा प्रोग्राम में, इतना भव्य प्रोग्राम कर रहे हो। आज अब मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये है तुम ये कैसा सेलिब्रेट कर रहे हो भाई? ये कौन सी सेलिब्रेशन है जरा हमको बताइए आप? तुम ये क्या है? बॉम्बे का मीरा रोड में ये मार रहा है, मस्जिद में जाके मार रहा है, तलवार चला रहा है, ये क्या, ये कौन सा सेलिब्रेशन है? ये खुशी है? राम आए मुसलमानों को मारे, ये खुशी है? ये कहा जा रहा है आप अपने देश में जाए, आपको तो मिल गया पाकिस्तान है? ये राम का देश है, किसी का बाप का देश नहीं है, समझ में आया ना? जो बोलता ना पाकिस्तान चले जाए, तुम पहले अपना अम्मा का पता करके बताओ। हिंदुस्तान किसी का बाप का नहीं, और कोई माइकल लाल हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ कि 40 करोड़ मुसलमान को भगा सकता है। ये देश हिंदुओं का जितना है, सिखों का जितना है, बुद्धिस्ट का जितना है, जैन का जितना है, मुसलमानों का ही उतना है, किसी का बाप का देश नहीं है। इनका तो बात करेंगे तो इनका जब आज़ादी में ना, इनका कोई इनका एक आदमी नहीं था जो आज़ादी में लड़ा था। मुसलमानों का लिस्ट है, मुसलमानों का लिस्ट है। हिंदू मुसलमान नफरत मत फैलाओ, तुम जैसे कुछ जो थोड़ा सा परसेंट हो ना, तुम लोग को पिछवाड़ में लात मार के निकाल देंगे। हम हिंदू मुसलमान आज़ादी में भी एक साथ थे, और आज 70 साल भी हिंदू मुसलमान एक साथ है। जब तक हिंदुस्तान रहेगा, हिंदू मुसलमान एक साथ रहेगा, और जो हम दोनों के बीच नफरत फैलाएगा उसका सजा उसको फांसी में होगा, नहीं तो उसको निस्तो नाबूद कर देंगे। राम भक्त, राम भक्त मत बोलिए, उन लोग को राम का दुश्मन बोलिए। राम भक्त वो नहीं होता है। राम का नाम को इस्तेमाल करके मुसलमान को पकड़ के बोलना बोल जय श्री राम, वो राम भक्त नहीं है, वो राम के दुश्मन है। अगर राम भक्त होते तो राम का लिखी हुई किताबों को पढ़ते। राम ने कहा था क्या मुसलमानों को पकड़ के मारो? अगर हम मुसलमान है, अल्लाह को मानते, कोई हिंदू भाई को पकड़ के बोला बोल अल्लाह अकबर, क्या मेरे अल्लाह खुश होंगे?
क्या मेरे अल्लाह खुश होंगे? नहीं खुश होंगे। हम तो डंके का चोट में बोलते कि आरएसएस को बोलो आतंकवादी, बजरंग दल को बोलो आतंकवादी, तुम आईएसआई को आतंकवादी बोलो, हम भी बोलेंगे भाई बोल आईएसआई आतंकवादी है, जैसे मोहम्मद आतंकवादी है, ऐसा कई आतंकी संगठन है टोपी पहन के दाढ़ी रख के अल्लाह अकबर बोल के मार रहा, हम तो अजमल कसम आतंकवादी है, हम तो डंकी का चोट में बोल रहे, तुम भी बोलो कि जो जय श्री राम बोल के मुसलमानों को मार रहा वो भी आतंकवादी है। हम बोलते कोई अल्लाह अकबर बोलकर, कोई अल्लाह का नाम लेकर किसी को मार रहा है तो मुसलमान इसके मकबूल डंके का चोट में बोल रहे वो आतंकवादी है। तुम भी बोलो कि जो राम का लेकर मार रहा है वो भी आतंकवादी है, ये तुम भी बोलो। कल जिस तरह से ट्रेन ट्विटर में चलाया जा रहा था कि बाबरी जिंदा है, क्या मतलब हुआ? अरे आप एक चीज बताओ, आज एक एक नया नया ढोंगी बाबा आ जाता है, बोलता है कि जामा मस्जिद के सीढ़ी के नीचे मूर्ति है, उस मस्जिद के सीढ़ी के नीचे मूर्ति है, तो कल हम भी बोलते तुम्हारा मंदिर के नीचे दरगाह है, खोदने का हमको खोदने दो, हम पैसा देंगे, नहीं मिलेगा हम फिर से दोबारा ठीक, मतलब यही चलता रहेगा। तुम बार बार बोलते रहोगे कि ये मथुरा के मस्जिद का हमारा मंदिर था, शहीद का हमारा मंदिर था, यहाँ मंदिर था, सब जगह तुम्हारा मंदिर था, तो हम भी बोलना शुरू कर दे कि अक्षरधाम में हमारा था, वो बालाजी मंदिर में हमारा था, तिरुपति में हमारा था, हम भी बोलना शुरू कर दे वहाँ पे हमको खोदने दो, वहाँ पे दरगाह है। अगर हम ये बोलना शुरू कर दे तो यही चलता रहेगा, हिंदुस्तान में कुछ खापी काम नहीं है लोगों के पास, ये करते रहेंगे तुम। और मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, जाग जाओ, बाबरी तुमसे चली गई, यही एक मस्जिद शहीद हो गई, 500 साल वहाँ पे नमाज हुआ, सुप्रीम कोर्ट बोला वहाँ पे मस्जिद तोड़ने का कोई सबूत नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट ये कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ फेथ ये डिसीजन दिया गया, अब दूसरा मस्जिद जाने मत दो। अब तुम एक बात हो, जो बाबरी मस्जिद के 4000 लोग शहीद हो गए, 4 से 5 हजार लोग शहादत दिए, क्या वो बेवकूफ थे? क्या उनका ईमान कमजोर था? और तुम आज कयामत करीब आ रहा है, जुम्मा जितने दिन खराब हो रहा है, तुम ईमानदार बन गए। अफसोस तब होता है, दुख तब होती है, ये मुसलमान क्या कहते पता है, कुछ कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल मुसलमान कहते, तुम अपने मोहल्ले का मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते, बाबरी मस्जिद का तुम सोच रहे हो, तो भाई एक काम कीजिए, हम तो अपना मोहल्ले में नमाज नहीं पढ़ लेते, एक काम कीजिए, बीजेपी तो बहुत अच्छी है, आप ही बुल्डो जैसा मस्जिद तोड़ दीजिए, क्योंकि हम तो नमाज नहीं पढ़ते, आपका घर में 10 फ्लैट है, आप एक टो में रहते, तो एक काम कीजिए, 9 टो में बुल्डोजर चला दीजिए, क्योंकि आप तो